हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव एमटीआर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं तो दोस्तों वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंजन चेक करने की। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आप इंजन चेक कैसे कर सकते हैं किसी भी गाड़ी का, चाहे वो पेट्रोल की हो, चाहे वो डीजल की हो, चाहे वो सीएनजी की हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम गाड़ी के जो ऑयल गेज होता है उसको जो है बाहर निकालना है। अब ये कंडीशन जो है डीजल और पेट्रोल दोनों में लागू होती है। आपको यहाँ पे जो है ऑयल की जो क्वालिटी है वो आपको चेक करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑयल की क्वालिटी अच्छी है। इसके साथ ही आपको यहाँ जो छेद में से देखना है कि गाड़ी का इंजन जो है डीजल का हो या पेट्रोल का हो, इस छेद में से जो है स्मोक नहीं आना चाहिए, वाइट कलर का स्मोक नहीं आना चाहिए, चाहे काले कलर का हो, या फिर जो है इस छेद में से आपको जो है ऑयल नहीं फेंकना चाहिए। इस छेद में से अगर गाड़ी ऑयल फेंक रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, तो ऑयल नहीं फेंक रही है गाड़ी और स्मोक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी के इंजन की कंडीशन वो ठीक है। अब दोस्तों बात आती है दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, इंजन ऑयल का जो कैप होता है जिसमें जो है इंजन ऑयल फिलअप करते हैं जहाँ से, उस कैप को आपको निकालना है। तो ये केस जो है आपको, अगर पेट्रोल कार में अगर आपको यहाँ से छींटे आ रहे हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस अगर आपके डीजल की गाड़ी खरीद रहे हो और यहाँ से जो है तेल के छींटे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो थोड़े बहुत यहाँ से आ रहे हैं, तो डीजल के केस में अगर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, उस इंजन को आप मत लेना, उस गाड़ी को आप मत लेना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये गाड़ी जो है थोड़े बहुत जो है छींटे मार रही है और यहाँ से स्मोक भी नहीं आना चाहिए अगर आप डीजल की गाड़ी है। तो पेट्रोल में अगर ये चीज़ आ रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, गाड़ी के रिंग पिस्टन और की जो जांच करने के लिए आपको क्या करना है कि जो गाड़ी के जो प्लग्स होते हैं, चार प्लग होते हैं यहाँ पर, तो उन प्लग को आप खुलवा कर भी चेक कर सकते हो मिस्त्री के द्वारा। अगर उन प्लग में जो है आपका ऑयल आ रहा है, नॉक पर नॉक होती है जिसकी, उस पर अगर ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंजन के जो पिस्टन होते हैं और जो रिंग होते हैं वहाँ से जो है ऑयल जो है लीक होकर बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है इंजन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें दोस्तों चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में आपको चेक करना है गाड़ी का जो इंजन है वो कहीं से लीकेज तो नहीं है, लीकेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। बाकायदा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 10 साल पुरानी ये गाड़ी है दोस्तों, पेट्रोल की प्लस सीएनजी की। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन में थोड़ी बहुत लीकेज है। तो इस टाइप की गाड़ी भी आपको लेने से बचना है अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो एक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि इसमें जो चार स्पार्क प्लग होते हैं तो एक स्पार्क प्लग में जो है ऑयल लीक हो रहा था, उसकी जो नॉब होती है उस पर जो ऑयल आ रहा था, तो उसकी वजह से जो लीकेज की जो प्रॉब्लम इस गाड़ी में हो रही है। अब दोस्तों बात आती है पाँचवें नंबर की, तो आपको क्या करना है, गाड़ी का जो कार्बोरेटर होता है वहाँ पर आपको एक ऐसी क्लिप दिख जाएगी जहाँ पर आपको रेस को बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी में जो यहाँ पर आपको रेस को बढ़ाकर देखना है कि गाड़ी में जो कहीं कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा, रिंग पिस्टन या क्रैंक का कोई साउंड तो नहीं आ रहा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस गाड़ी में ऐसा कोई साउंड नहीं आ रहा है कोई एक्स्ट्रा, इसका मतलब इंजन की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है। बात आती है दोस्तों छठवें पॉइंट की, तो छठवें पॉइंट में आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप गाड़ी लेने जाएँ तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अंदर बैठें। अंदर बैठने के बाद आपको क्या करना है कि गाड़ी में कम से कम 10 से 12 बार सेल्फ लगाएं, जिससे इंजन की जो ताकत होती है, इंजन में कोई कमी तो नहीं है, वो आपको पता लग जाएगी। 10 12 ऐसे इस टाइप से सेल्फ लगाएं, बंद करें चलाएं, बंद करें चलाएं, बंद करें चलाएं। तो 10 से 12 बार आपको ये करना है कि ऐसा तो नहीं कहीं गाड़ी आपकी जो है ज़्यादा सेल्फ ले रही है, बहुत लंबा सेल्फ ले रही है, तो उस टाइप की गाड़ियों को लेने से आप बिल्कुल भी बचें। वैसे तो दोस्तों लंबा सेल्फ जो है कई बार क्या होता है कि गाड़ी की जो बैटरी अगर थोड़ी सी जो है चार्ज ना हो तो उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी का जो लंबा सेल्फ जा सकता है। दोस्तों सातवें नंबर की, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को जो है पेट्रोल, ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी पे है, तो आपको गाड़ी को अब मैंने जो है इसको सीएनजी पे स्टार्ट किया है। सीएनजी पे स्टार्ट करने के बाद आपको इसमें रेस देकर देखनी है गाड़ी कहीं मिसिंग तो नहीं मार रही, कोई मिसिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी में कोई भी मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहाँ पे जो है सीएनजी में कर रखा है। अब मैं इसको पेट्रोल पे कर दूंगा, पेट्रोल पे भी मैं इसको फुल रेस देकर देखूंगा कि गाड़ी कहीं मिसिंग तो नहीं मार रही। तो फिलहाल ये गाड़ी जो है मिसिंग नहीं मार रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो क्लस्टर मीटर होता है उसकी जो आरपीएम जो होती है वो पूरी जा रही है या नहीं जा रही, पेट्रोल और सीएनजी पे दोनों पे आपको चेक करना है। तो ये जो है पूरी जा रही है, यहाँ तक 7 तक जा रही है, तो इसका मतलब जो है इंजन की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ भी आपको दोस्तों नोट करनी है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको जो है रेस देनी है, रेस पूरी देकर देखनी है, जिससे कि जो आरपीएम है इसकी 7 तक जानी चाहिए।
6-7 तक जानी चाहिए। अगर आपकी 4 या 3 तक जा रही है तो उस गाड़ियों को आप दोस्तों बिल्कुल भी मत लेना। दोस्तों 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पे आपको चेक क्या करना है कि आपका जो मीटर होता है, ये एनालॉग मीटर है, ये डिजिटल मीटर है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, चाबी को ऑफ कर देता हूँ, फिर दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। सारे जो इंडिकेशन थे हट गए, लेकिन अभी इसमें जो है चेक इंजन की जो लाइट आ रही है। वैसे तो फाइनली मैंने इस गाड़ी के जो स्पार्क प्लग चेंज करा दिए हैं, गाड़ी जो है मिसिंग भी नहीं मार रही है, और मैंने इसका जो फ्यूल पंप होता है वो भी चेंज करा दिया है, तो फिर भी ये चेक इंजन लाइट जो है नहीं हटी है। इसके बावजूद भी अगर आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, चेक इंजन की लाइट है, तो उसको भी आप हल्के में ना लें, उस गाड़ी को लेने से आप बचें। अगर बंदा दोस्तों आपकी जानकारी का है तो आप ले सकते हैं इस चेक इंजन लाइट को, वैसे आप रीसेट करा सकते हैं कंप्यूटर वाले से। तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ पॉइंट बता दिए हैं, जैसा कि यहाँ से आपको जो है स्मोक की प्रॉब्लम और जो है ऑयल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डीजल के केस में यहाँ से जो है ऑयल गाड़ी नहीं फेंके, इस कैप को आपको निकाल कर देखना है, और जो है स्मोक भी नहीं आना चाहिए। पेट्रोल में स्मोक नहीं आना चाहिए। अगर पेट्रोल में जो है आपकी गाड़ी थोड़ा सा ऑयल फेंक रही है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है रेस को भी चेक करना है कि जैसे गाड़ी कहीं मिसिंग तो नहीं दे रही है, गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं है इंजन का, जैसे कि रिंग का या पिस्टन का। इसके साथ ही आपको गाड़ी की बैटरी चेक करने के लिए आपको मैंने बता दिया, 10 बार आपको सेल्फ लगा कर देखने हैं गाड़ी में, जिससे पता चल जाएगा गाड़ी के इंजन की जो बैटरी है, जो उसको आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आप गाड़ी के इंजन की लीकेज भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। आप नीचे से भी चेक कर सकते हो, नीचे से इस गाड़ी में मैं चेक नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। और इसके साथ ही मैंने दोस्तों आपको ये भी बता दिया है कि गाड़ी की जो RPM है वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए रेस देने के बावजूद, चाहे आप पेट्रोल पे चलाओ चाहे आप उसको CNG पे चलाओ। और जो है यहाँ पे जो है चेक इंजन की लाइट नहीं आनी चाहिए, बिलिंग नहीं माननी चाहिए, तो उन गाड़ियों को लेने से आप दोस्तों बिल्कुल भी बचें, उन गाड़ियों को आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो मैंने बना दी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं, अगर ख़रीदने जाते हैं, तो आपको ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना, चाहे आप पेट्रोल की गाड़ी लो या CNG की लो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है, सेकंड हैंड कार ख़रीदने से पहले इंजन की जांच कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, जिसका मैं आंसर आपको कर दूंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों प्लीज़ इस मेरे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।